विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की महानगर इकाई ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय से लगातार हिंदू संगठनों व उनके कार्यकर्ताओं पर हमले व उनकी हत्याएं किए जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विगत 8 जनवरी 2023 को असम प्रांत के करीमगंज जिले के लोवीरपुरा में बजरंग दल के 16 वर्षीय कार्यकर्ता शंभू कैरी की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। पिछले 2 वर्षों में बजरंग दल के 9 कार्यकर्ताओं की हत्या की जा चुकी है और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं, जो चिंता का विषय है। ज्ञापन के माध्यम से इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए प्रांतीय मंत्री राजकमल गुप्ता ने बताया, ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को बजरंग दल के कार्यकर्ता शंभू की हत्या के विरोध में दिया गया है। महामहिम राष्ट्रपति से मांग करी गई है कि तत्काल ऐसे तत्वों को सजा दिलाई जाए और जो लोग इनको इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं, ऐसे बादल देखे तरसर तन से जुदा 32 टुकड़े गैंग, इनको तत्काल सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, यदि अगर ऐसा संभव हो तो ऐसी सजा दी जाए जो इस देश के आने वाले कभी 7 पीढ़ी तक ये ना सोच सके कि किसी की बजरंग दल के किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति की हत्या करनी है। इस मौके पर अविनाश गुप्ता, अमित भटनागर, अनिल संतोष, पंडित कुशल शर्मा, नवदीप सिंह, राहुल अहुजा, राजीव भटनागर, शुभम, संगीत एवं सुधांशु सहित भारी संख्या में बजरंगी मौजूद रहे।